बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुसर्रज इन्फॉर्मेटिव चैनल में मेरे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन जान भी होंगे, खैर से होंगे। सो आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ चार सदा का मशहूर खिचड़ी, चार सदा का मोटे चावल। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैंने देखिए मैं ऑयल डाल लिया है और इसमें हमने तीन नॉर्मल साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं, वो डाल दिए हैं। बड़े गोश्त का इस्तेमाल होगा व्यूअर्स इसमें, और जितने चावल होंगे, मोटा चावल यूज़ करना है, टोटा चावल जो होता है। प्याज़ों को व्यूअर्स किश करते हैं, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, वाइट ज़ीरा जिसमें डाल दिया है मैंने, 1 kg व्यूअर्स गोश्त लिया है, बड़ा गोश्त, और 1 kg ही चावल लिए हैं, बल्कि 1 kg से कम कह लें, 3 पाव मैंने चावल यूटिलाइज किए हैं उसके लिए, गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फिर खास मसाला इसका, लाल मसाला कहते हैं इसको, वो डाल दिए इसके लिए। हद से ज़रूरत नमक ऐड कर दिए, 10-3 पीसी हुई मिर्च और हल्दी डाल दिए। वाइट सिरका ऐड कर रही हूँ व्यूअर्स, इसमें 3 स्पून डाल दिए, इससे गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा और बहुत कुछ उसका जायका आएगा। पाँच से 6 मिनट भुनाई करती हूँ व्यूअर्स, पानी डाल रही हूँ मैं इसमें कुकर में। व्यूअर्स इतना पानी डालेंगे कि गोश्त हमारा बिल्कुल गल जाए। कुकर लगाने के बाद व्यूअर्स कुकर खोल दिया है, गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल गया है और पानी को मैंने सेपरेट कर लिया है। बिल्कुल गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अगेन इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स अच्छे तरीके से फेंट लिया है गोश्त को कि बिल्कुल रेशे बन जाएँ, और पानी इसमें और भी डाल दिया है, जो पानी हमने स्ट्रेन किया था वो भी डाला है और एक्स्ट्रा पानी और भी डाला है। अब इसमें खिचड़ी वाली दाल डाल दी है, ग्रीन कलर की, तकरीबन 1 kg, 1 आवर से ज़्यादा टाइम के लिए मैंने इसको डिप करके रख दिया था। हरी मिर्चें डाल दी हैं, उबाल आ गया है व्यूअर्स, इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह व्यूअर्स, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अगेन कुकर लगा लिया है व्यूअर्स, इसको पकाया है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसका तड़का तैयार करती हूँ, पैन में ऑयल डाल दिया है, प्याज डाल रही हूँ व्यूअर्स, और अगेन इसको फ्राई करती हूँ। तड़के के लिए, इसके लिए खिचड़ी के लिए ख़ास तड़का, चार सदा के मोटे चावल और ख़ास किस्म का तड़का होता है इसका, वो तैयार कर रहे हैं। प्याज ब्राउन कर लिए हैं, इसमें गर्म मसाला जाएगा, हल्दी जाएगी और हरी मिर्च जाएगी। हल्दी जले नहीं इसलिए बस नॉर्मल एंड में डालनी है। तड़का तैयार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तड़का दे दिया है मैंने इसको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चार सदा के मोटे चावल प्रिपेयर हैं। मैं व्यूअर्स को डिश आउट करके दिखाती हूँ, आप इसकी देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे राइस प्रिपेयर हैं। व्यूअर्स चार सदा के मशहूर मोटे चावल तैयार हैं, खिचड़ी है ये चार सदा की मशहूर। और ये अगर मेरा आपको आउटस्टैंडिंग ईदी वे तरीका अच्छा लगे तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत आउटस्टैंडिंग इसका टेक्सचर है, बहुत आउटस्टैंडिंग इसका जायका है, इसकी महक है। सो काइंडली अप्लाई ऑन योर होम। और अगर आपको मेरे पकाने का तरीका, मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आपको अच्छी लगा करें तो काइंडली मुसर्रज GTV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को व्यूअर्स लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे व्यूअर्स तक पहुंचती रहें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे व्यूअर्स जा रहे हैं, खुश रहें,
मुसरजी टीवी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।